ये अमरिंदर सिंह सरकार और कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब में, आज एक मासूम बच्ची जो 7 साल की दलित बच्ची है जिसका बलात्कार किया गया, उसे निर्ममता के साथ उसकी हत्या कर दी गई, जला दी गई, इस पे हमारी कांग्रेस सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है। हमारी सोनिया गांधी की सरकार, राहुल गांधी चुप्पी साध के बैठे हैं। जब हाथरस की मामला हुई थी तो वो दोनों भाई बहन गाड़ी में हंसी ठिठोली करते हुए वहां पहुंचे थे जैसे पिकनिक मना रहे हो। आज उनके सरकार के समक्ष इस तरह का कुकृत हुआ है और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या उनकी सरकार चूड़ी पहन के बैठी हुई है? नहीं बैठी हुई है तो पहन ले। और हम लोगों को आज जवाब चाहिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से। वो एक महिला है, क्यों नहीं इस मुद्दे पे कोई जवाब वो दे रही है? क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कर रही है? आज वो कहां चली गई है? किस कोने में जाके छुप के बैठ गई है? आज कुछ बोलने की स्थिति में वो नहीं है। सिर्फ वो हाथरस मामले में वो गए थे पिकनिक मनाने के लिए, जहां पर कि हमारी सरकार सब कुछ कर रही थी और सीबीआई को वो केस दे चुकी है। आज उनसे सवाल है कि इस मुद्दे पे वो क्यों चुप्पी साध के बैठी हुई है और क्यों चूड़ी पहन के? इसीलिए हम लोग आज चूड़ी दिखा रहे हैं कि अमरिंदर सरकार आज चूड़ी पहन के बैठ गई है। वो कोई पुरुष की सरकार नहीं, वो एक महिला की सरकार के तरह हाथ में चूड़िया बांध के बैठ गए, जवाब नहीं दे रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।